50वीं। अरे यार मगन लाल जी, एक बात बताओ जी। डिस्पेंसरी 10 बजे शुरू होती है, और तुम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई करने की बजाय मक्खियां क्यों मारते हो? सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। बिजनेस जी? मक्खियों से क्या बिजनेस हो सकता है? अरे सर 5 पैसे की एक मक्खी बिकती है। हाँ ये देखिए 10 रुपए का माल इकट्ठा हो गया। मैं केक खा रहा हूँ, मक्खियां पास ला रहा। सॉरी, मक्खियां खरीदता कौन है? ये सामने बेकरी वाला। मक्खियों का बेकरी वाला क्या करता है यार? सर बम्बई में किशमिश तो मिलता नहीं, इसलिए मक्खियों को शक्कर के पानी में डुबो कर केक के ऊपर लगा देते हैं, ताकि केक खाने वाला मक्खियों को किशमिश समझ के खा जाए। कितनी बड़ी 400 बीसी करते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए केक कभी उस बेकरी से मत लाना। सर ये जो केक आप खा रहे हैं ये उसी बेकरी का है। अच्छा अच्छा। सत्यमेव जयते डॉक्टर साहब। आइए आइए आइए। अरे कितनी बार हैं, क्या बात है? मेरा नाम झोकुमल मखमल प्यारे लाल है। अच्छा अच्छा, ये आपका अकेले का नाम है कि पूरे खानदान का? मेरे अकेले का नाम है। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है इस शहर में कि तुम बेइलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो लाइलाज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो। हंसने की बीमारी है क्या? मुझे हंसने की बीमारी नहीं है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। सच बोलने की बीमारी? ये तो नहीं है। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मैं एक लड़की के साथ तो घर गया, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने सच सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ, तो मेरी बीवी ने मेरी अब वो पिछले एक हफ्ते से मेरे पीछे डाइवोर्स के पेपर लेके घूम रही है, मैं उसे घुमा रहा हूँ। मैंने ऑफिस के अकाउंट में गफला किया, मेरे बाप ने पूछा कि 1,00,000 रुपया कहाँ गया, तो मैंने सच सच बता दिया कि जुए में और लड़की के पीछे खर्च हो गया। तो वहाँ भी जूते पड़े। आप चाहते क्या है, मैं क्या करूँ? हाँ तो डॉक्टर साहब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सच बोलना छोड़ दूँ। जी मगनलाल इधर आओ, तुम कहाँ गए थे? जी वो डिलीवरी देने मक्खियों की। ओफ, कल से मैं इडली सांभर खाऊंगा, केक नहीं। सॉरी वो पिछली बार एक पेशेंट आया था मेहता। हाँ हाँ, वो जो एक कसम के साथ सौ झूठ बोलता था, मेहता झूठ बोलते बोलते मर गया। मर गया है ना, तो हमने उसके शरीर से झूठ बोलने के कीड़े निकाले थे। हाँ वो फ्रिज में पड़े अकड़ रहे हैं। अकड़ रहे ना जी। उन कीड़ों को एक इंजेक्शन में भर कर ले आओ, इनको लगाना है। हाँ जी देखिए प्यारे लाल जी। प्यारे लाल नहीं, झोंकुमल मखमल प्यारे लाल है। अरे मखमल खटमल कुछ नहीं, प्यारे लाल बोलो, टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ये इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए लगेंगे, आप तैयार हैं? 200 रुपया देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब, खाली मुझे सच बोलने की बीमारी से बचा लो। अभी हंसते हंसते वहाँ लेट जाइए, फीस को भूलना मत। लीजिए सर झूठ के कीड़े। ये भाई वो 200 रुपया याद है ना? हाँ याद है डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन तो लगाइए। तो कूला ऊंचा करो, ये लो। ये कूला है कि पहाड़ है? पूरी पी गया। प्यारे लाल जी 200 रुपये निकालिए। कहे के 200 रुपये? अरे वो 200 रुपये जो तय हुए थे, निकालो। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? इंजेक्शन देने से पहले 2 रुपया तय हुआ था, मतलब 200 पैसा, 200 रुपया नहीं। अरे वाह, ये झूठ का इंजेक्शन लगते ही झूठ का पहला बार हम पर। 200 रुपया निकालो। पलट गया। आवाज नहीं मांगता है? नहीं तो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चीटिंग केस में अंदर करवा दूंगा। बदल गया समझे, झूठे मक्कार कहीं के। मांगता है तो 2 रुपया ले लो। अरे हम भिखारी हैं क्या? तो और क्या है? इसकी हंसी कहाँ गायब हो गई साले की? सर लगता है आपने झूठ का इसको ओवरडोज दे दिया। सच बोलने का इंजेक्शन तैयार है बेटा, हाथी की पूंछ से निकाला है। तुम भी तीसरे बेटे के साथ मिल गए, तुम्हारा कोई कैरेक्टर है कि नहीं? अबे मेरा कैरेक्टर होता तो क्या मैं झूठ मूठ का डॉक्टर होता है? नहीं। तो फिर तैयार हो जाओ। तो फिर जरा मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि तुमने अपने पिताजी को क्या क्या खिलाया था, बोलो कि नहीं तो गुस्सा आएगा। दादाजी मैं बताती हूँ। बोलो। ये दोनों पिताजी को सूखी रोटी खिलाते थे। कभी ये सूख गए सूखी रोटी की तरह? आज अगर
पिताजी बीमार है तो इन दोनों के कारण। पिताजी हाँ ये लीजिए हंटर लगाइए इनको। सूखे वो भाई साहब, इनको नाश्ते में 2 हंटर, इनको लंच में 4 हंटर और डिनर में 8 हंटर मारिएगा। और जिस दिन हंटर मारिएगा उस दिन पानी मत दीजिए, और जिस दिन पानी दीजिएगा उस दिन हंटर मत मारिए। हंटर में पानी, आप कंफ्यूज मत होइए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हंटर मारिए। भाई साहब भाई साहब, इनका नाश्ता हो गया, अब इनको ये भी बता दे इन बंधकों को कि आप कौन है, जरा बता दो कौन है। ए लाइए देखो देखो। कमलापति भाई चलो। इतना जल्दी केला बाटली वाला चलो। यस यस डॉक्टर डॉक्टर। बैठिए मत इस हालत में, आप बैठ रही, चलिए लेट जाइए। संभाल के। अरे बाप रे, ओहो डंडा नीचे, सुनना पड़ेगा। मारता। ये तो आपका आखिरी महीना चल रहा है और आप ऐसे मटक के आ रही हैं जैसे कुंवारी हैं। शू बात करे जी डॉक्टर, ना मैं पेट से है और ना मैं औरत है। हा? तो फिर ये क्या है? हूँ तो छोकरी छू वो भी कुंवारी। ठीक है मगर तकलीफ क्या है? तकलीफ तो ये है कि कोई मेरे को तकलीफ ही नहीं देता है। अरे ये क्या तकलीफ हुई? ओ डॉक्टर, मारा जिंदगी में ट्रेजेडी छे। बेचारी नहीं बीमारी। क्या बीमारी? जब भी मैं किसी आदमी को देखता है तो मारा दिल नहीं गांधी वागवा लागे छे, जोर जोर थी। क्या बचती है? गांधी घंटी समझ गया। क्या करूं डॉक्टर, नाड़ी छूआ। अच्छा ये नाड़ी ना, ये नाड़ी ना। नहीं नहीं नहीं, ये नाड़ी 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 चोकड़ी हूँ ना। एक दिन मारा जिंदगी में एक बूढ़ा आया था, उसको देखकर भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी। बुढ़े को देखकर भी दिल की घंटी वागवा लगी? मुझे देख के तुम्हारे दिल की घंटी वागवा नहीं लगी। डॉक्टर पेशेंट के बीच में बोला तो तुम्हारी भी वागवा कर दूंगा। यस प्लीज। डॉक्टर मारा जिंदगी में एक जवान आदमी आया था, फिर उसको देख के भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी। वेरी गुड। लेकिन वो दोनों मर्द को मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आया। वो दोनों मेरे को छोड़ के चला गया। छोड़ के तुम एक काम करो डॉक्टर। क्या काम? तुम मेरा नसबंदी कर दो। माय गॉड, नसबंदी मेजर ऑपरेशन डेफिनेटली। तुम मेरा दिल का घंटी काट देगा तो मेरा सारा अरमान कट जाएगा, फिर किसी भी आदमी को देखकर मारा दिल की घंटी ना वागे। नहीं 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 नहीं, तुम कैसी निराशावादी बातें करती हो? अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, नाजुक हो, स्वीट 16 हो, इतनी जल्दी घंटी मत कटवाओ। सुनो एक काम करो, मैं तुमको एक दवा देता हूँ, जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवा लेगी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रियली? अरे रियली क्या, मैंने कितनों की घंटी वागवाई है? यू सी माई मिक्सचर। होल्ड ऑन। मुझे देख के अब घंटी बजी? नहीं, जंग लग गया है। इसको भी देखकर मारी दिल्ली कंटी वागवा लगे छे। डॉक्टर भी हैंडसम छे, दवाई तो ये बना रहा है। हाँ क्यों ना मैं ये दवाई इसी को पिला दूं? ये रहा शर्तिया मर्द की घंटी बजाने वाला मिक्सचर, 21 साल का फॉर्मूला, जिस मर्द ने इसको पिया उसकी बजे। अरे ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ओए पेला डॉक्टर दत्तू, मेरे सपनों की रानी बेला, कहाँ है तू? नहीं छोड़ूंगा बेला, कब से हूं मैं अकेला? मेरे सपनों की रानी बेला दत्तू।
ओ मेरी बुलबुल, मेरी बुलबुल बेला, मैं क्यों रहा तुझ भी अकेला। बेला चल, बेला चल, चलो तू मुझे ले चल। मैं बेला, मैं दीवाना। डॉक्टर साहब, बाबा शंकर, डॉक्टर साहब, ये शादी नहीं खुदकुशी है, आप हत्या। व्हाट, तुम्हारा हस्बैंड कुत्ते की तरह भोंकता है? ओ, और तुम्हारा कुत्ता मुंह में बैग उठाकर ऑफिस को चला जाता है? ओ माय गॉड डार्लिंग, दिस इज वेरी सीरियस, वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट बॉदर। हेलो, कौन? मिसेस भंडारी? हाँ हाँ, उस दिन आप अपने पति और कुत्ते को एक साथ लेकर आई थी कि दोनों की तबीयत खराब है, और जल्दबाजी में मेरे कंपाउंडर ने आपके पति को कुत्ते का और कुत्ते को पति का इंजेक्शन लगा दिया था। हाँ हाँ, इसलिए मैंने उस कंपाउंडर को निकाल दिया, और आजकल मैं इडली सांभर खाता हूँ। केक खाना छोड़ दिया, उसमें वो मक्खियाँ डाला करता था। पार्ट टाइम बिजनेस था जी उसका। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो नहीं है, अब मेरी डार्लिंग कंपाउंडर है। हाँ, आप एक काम कीजिए, अपने पति और कुत्ते दोनों को एक साथ यहाँ ले आइए, तो मैं आपके पति में से कुत्तापन और कुत्ते में से पतिपन निकाल दूंगा। हाँ, ये तो भाई आपका खेल है डॉक्टर। खाओ डार्लिंग, खाओ। डॉक्टर साहब, अरे माफ करो बाबा, छुट्टा नहीं, मरीज तो आते नहीं, भिखारी चले आते। मैं भिखारी नहीं हूँ, आपका मरीज हूँ। मरीज हो? कब इलाज करवाया था? एक महीने पहले। कमाल है, अभी तक जिंदा। वेरी लकी, वेरी लकी। क्या इलाज करवाया था? आपसे झूठ बोलने का इंजेक्शन लगवाया था। ओह, याद आया, 200 रुपए की जगह झूठ बोलकर 2 रुपए देकर खिसक गए थे तुम। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी हालत खिसक के रह गई है। आपसे इंजेक्शन लगवाने के बाद इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया कि आधा शहर मेरे पीछे डंडा लेके भाग रहा है। मेरे जान के पड़ गए लाले, अब तो तू ही बचा ले। डॉक्टर साहब, आज का एक किस्सा सुनिए हिजड़ों का। पैसे की लालच में आके हिजड़ों के झगड़े में कोर्ट में गवाही देने चला गया। गवाही तो देनी थी सच की, लेकिन जज साहब के सामने झूठ बोल दिया कि एक हिजड़े ने औरत का बलात्कार किया। बलात्कार शब्द सुनते ही हिजड़े की जमात गुस्से में आ गई। जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला तो सब हिजड़ों ने अपने घाघरे हिला हिला कर मुझे इतनी लाते मारी कि सीधा आपके दवाखाने में आके गिरा। डॉक्टर साहब, मुझे झूठ से बचा लीजिए, मुझे सच का इंजेक्शन लगा दीजिए जल्दी से, प्लीज। समझ गया, आप पकड़ में आया, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। 400 रुपया निकालो। 400 रुपया? जी हाँ, 200 रुपया पिछली बार का, और 200 रुपया अभी सच का इंजेक्शन लगाने का। निकालो। वो तो दूंगा, आप इंजेक्शन तो लगाइए। नहीं देगा तो हवा आने दे, खिसक गया। नहीं, ये लीजिए। एक, दो, तीन, चार। कड़क कड़क, चलो रोते रोते लेट जाओ। डार्लिंग, ये रहा सच बोलने का इंजेक्शन। थैंक यू डार्लिंग, इसके कूले बड़े हो गए ना, जरा देख रहा हूँ। ये है, चल रोते रोते कूला ऊंचा कर, पहाड़ को नीचे कर। ए ए ए ए वन ए टू ए। इन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये धुआं कहाँ से निकला था? ये तो हमारे सच बोलने वाले इंजेक्शन का कमाल है, सारे कीड़े झूठ के चल के निकल गए, भूत भाग गया, अब तुम सच बोलने लगोगे। कितना हंसता है डॉक्टर साहब, एक सच मेरे पेट में उबल रहा है। उबालो, निकालो। मैंने जो आपको 100-100 के 4 नोट दिए ना, ये कड़क, ये सब जाली है।